राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि आपन हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, श्री राम जय राम जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रोवालोक के स्वागत बा। एकरा पहले सुनावल जात रहे, सुनावल गईल कि भगवान एक दिन एक स्फटिक शिला पर बैठल बानी, अपने से पुष्प चुन के फूल चुन के एगो माला बनैनी, सीता मैया के पहरैनी। वही जा मैया सीता जी बैठल बनी और इंद्र के पुत्र जयंत एगो कौवा के वेश बना के आयल। चोंच मरलक गोड़ में खून बहे लागल, ये देख के भगवान का क्रोध आयल। एगो सीक वही जा रहे उठा के मरनी, प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। मंत्र प्रेरित सीख ब्रह्मास्त्र की तरह चलल, चला भाजी वायस भय पावा। ये देख के वो कौवा भयभीत होकर भागल और आपन रूप फेर से बनैलक। धरि निज रूप गयो पितुपाही, आपन रूप बना के पिताजी का लगे इंद्र का लगे गईल। राम विमुख राखा तेहि नाही, राम जिससे विमुख हो गइल बा हमार बेटा। ये सोच के इंद्र उकरा के अपना लगे ना रख लें, लौटा दे लें। भा निराश उपजी मन त्रासा, जयंत निराश हो गइल पुका फाल के रोए लगल। निराशा आगे उकरा मन में त्राही त्राही करे लगल। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, जैसे सुदर्शन चक्र से ऋषि दुर्वासा का भय भय रहे। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, जब पिताजी का लगे सहारा ना मिलल तो जयंत ब्रह्म देवता का लगे पहुंच ले। जाके वहां विनती कर ले लगने की, हे ब्रह्मा जी रउआ हमार रक्षा करे। राम जी के धनुष ब्रह्मास्त्र के रूप में आ रहा हलवा ही सीख, हमार बाबू जी तो रक्षा ना किनी भगा देनी है इंद्रलोक से। ब्रह्मा जी रउआ पितामह वानी, सृष्टि के रउए दादा है, रउआ हमार जान बचाएं। ब्रह्मा जी भी लौटा देनी, भोलेनाथ शिव जी का लगे जयंत गईल। ओहो जासे निराशा हाथ लागल, सभी लोक जतना लोक रहे सब लोक में लुकाए खातिर केहू ओकरा के जगह ना देलक। सब लोक में जाके जयंत विनती कैले, फिर बहुत व्याकुल होके रोए लागल जयंत। कोई कहीं भी कोनो लोक में जयंत के बैठाऊ के ना कहलक। बाबा जी वर्णन करतनी, काहू बैठन कहाँ न होही, काहू बैठन कहाँ न होही, राखी पुसकई राम कर दो, मातु मृत्यु पितु समान समाना, मातु मृत्यु पितु समान समाना। सुधा होई विष सुन हरि जाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना, काहू बैठन कहाँ न होही, काहू बैठन कहाँ न होही। सब जगे जयंत गईल, केहू बैठे के भी ना कहलक। गोस्वामी जी लिखतनी,
कि राखी को सकई राम कर द्रोही, राम के द्रोही के राख सकता, मातु मृत्यु पितु समन समाना। जे भगवान के विरोधी हो जाला, आज समाज में कथा सुन के आदमी के मन में हुई कि हमने तो भगवान के विरोधी कहां बनी, कहां राम जी मिल गई नहीं कि हम उनका से झगड़ा कर लेनी, कहां कृष्ण भगवान मिल गए नहीं कि उनका से हमारा बैर हो गई, कहां भोलेनाथ मिल गए नहीं कि उनका से हम शत्रुता कर लेनी। और सच्चाई बा कि कणकण में भगवान बनी, श्रेष्ठ गुण इस समाज के श्रेष्ठता भगवान के रूप होला। जब हम श्रेष्ठता से मुख मोड़ लेवेनी, जब हम यहाँ के सात्विकता से मुख मोड़ लेवेनी, तो एक तरह से भगवान से हमनी के बैर हो गई। अच्छाई से मुख मोड़ लेवल भगवान से बैर कर लिहल हा, अपना जीवन में बुराई ले आवल भगवान से शत्रुता कर लिहल हा। अजय भगवत विरोधी होला, भगवान के विरोधी होला, माता मृत्यु के सम्मान हो जाली और पिता यमराज के समान हो जालन। और सुधा होई विष, अमृत भी विष जैसन हो जाला। मित्र करई सतरिपु कै करणी, जितना दोस्त लोग बा, जहां यार लोग बा, जहां बंधु लोग जितना बा लोग, सब शत्रु जैसन व्यवहार करे लगेला। सब जग उताही अनलह के ताता, सारा जगत उकरा खातिर अग्नि जैसन हो जाला, जैसे अग्नि में पड़ जाई आदमी तो जरे लगेला। तो ऐसे कभी भी संसार में भगवत विरोधी ना होके के जाए। समझल जरूरी बा कि रुवा कहे कि हम कहां भगवत विरोधी बानी। जीवन में कमी आई तो समझ ली कि भगवान से विरोधी होके लागल बानी। एगो छोट विराम लिया था, फिर आगे कथा सुनावल जाई। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम कथा सुन, राम कथा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवत विरोधी के मतलब ये होला कि हम श्रेष्ठता के अच्छा चीज के विरोधी हो गल बनी, हम सत्य के विरोधी हो गल बनी, हम ईमानदारी के विरोधी हो गल बनी, हम साहस और शौर्य पराक्रम के विरोधी हो गई बनी, संसार में सुख शांति के विरोधी हो गई बनी, संसार के देश के परिवार के सुख शांति के छीनता, तो बुझ ली कि वो मैया सीता जी के चरण में चूंच मार रहा बा और भगवान के विरोधी हो गई बा। अलग से भगवान ना मिले कि जिनका से झगड़ा करके केहो विरोधी हो जाए। आज जयंत कौवा के वेश बना के आयल, सीता मैया के चरण में प्रहार कैलक और भगवान ने को सीख उठा के फेंकनी मंत्र पढ़ के, और सीख पीछा करे लागल जयंत के। व्याकुल बा जयंत, कहीं कोनो सहारा नहीं मिलत। रास्ता में मार्ग में नारद मुनि से भेंट जयंत के हो गई। नारद देखा बिकल जयंत, नारद देखा बिकल जयंत, लागी दया को मल चित संता, लागी दया को मल चित संता, पठवा तुरत राम पहितारी, पठवा तुरत राम पहितारी, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। नारद मुनि
देखनी जयंत विकल हो गई बा, व्याकुल बा जयंत। तो कोमल हृदय संत के प्रभावित हो गई नहीं, भावुक हो गई नहीं। तनि विचार करें कि जहां ब्रह्मा जी शिव जी केहू सहारा नहीं खे, जेकर ओकर सहारा इस संसार में संत होला। नारद जी व्याकुल हो गई नहीं जयंत के देख के, लागी दया कोमल चित संता। वठवा तुरत राम पहिताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। कनि के राम जी का लगे जा, संत हृदय रहे बिगल गईल। गोस्वामी जी लिखले बनी एक जगह, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कही न जाना, कहाँ कबिन पर कही न जाना, निज परिता संत पुनीता, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। स्वामी जी एक जगह लिखत नहीं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संत के हृदय मक्खन के समान होला, कभी लोग कहलक लेकिन वो लोग का कहे ना आए। तो लोग कहे कि सचमुच मक्खन के जैसन संत के हृदय होला, तो निमने तो कभी लोग कहलक कि संत के हृदय पिघल जाला, जैसे लागी दया कोमल चित संता। जयंत के हालत देख के कोमल हृदय संत के दया आ गई, मन में नारद जी के दया आवे लागल। तो संत के हृदय मक्खन जैसन होला, बात तो ठीक है कहल बा, बाकी नारद ये कहतनी गोस्वामी जी कि कहा कबिन पर कहीं न जाना। कहलक लोग कभी लोग लेकिन कहे ना आयल, कहे कहते निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। कि जब मक्खन का अपना गर्मी लागेला तब वो पिघलेला, और संत तो ऐसा होले कि दूसरों का गर्मी लागो तो पिघले लगे, दूसरों के दर्द होको तो दर्द उनका अंदर महसूस होके लगी। ये संसार में सारा खेल संवेदना के बाद, क्यों ऐसा नहीं कि जगत में जिकरा भीतर संवेदना ना होको, बाकी वो संवेदना के स्तर बदलत रहेला, कम बेसी होत रहेला। जे परम संवेदनशील बा, जे संवेदना में स्थिर हो गई बा, वह परम संत कहाला। जेकरा हृदय में इतना प्रीत हो को, इतना दया हो को, इतना करुणा हो को, और वेदना ऐसन हो को कि दूसरा के दर्द हो को, और संभाव से संत के अंदर वो दर्द आवे लागे, तो उकरे के संवेदना का। एको आदमी भी संवेदनशील होला, उकरा चोट लाग जाए तो रोए लागे, यो एको संवेदना। ये ओकरा चोट लागी तो रोए लागी, भूख लागी तो दुखी होके लागी, ओकरा कष्ट हुई, एक्सीडेंट हुई तो ओकरा परेशानी हुई, बाकी संवेदना अपना शरीर खातिर बा खाली। ये संवेदना जब बढ़ेला तो परिवार खातिर हो जाला, जब एकर विकास होला, पवित्रता आवेला, तो वो परिवार खातिर होला कि हमार बेटा, हमार बेटी, हमार बाबू जी, हमार भैया, हमार बहन, हमारा भाई खातिर केहू कुछ मत कहो, हमरा परिवार के केहू गाली दे दी तो हम उनका के मुआ दे, हम लड़ मरे, हमारा अपमान ना हो के चाहे, ये परिवार पूरा हमार है। संवेदना बढ़ के परिवार पर चल गई, और यह संवेदना पढ़ेला बढ़ेला तो गांव पर चल जाला कि हमरा गांव के केहू खिलाफ बोल नहीं कह सकत, हमनी के गांव सब लोग से नीमन बा, हमरा गांव में बड़ा अच्छा अच्छा लोग बा, हमनी के गांव के बड़ा प्रगति हो रहा बा, दूसरा गांव के लोग आ जाए तो हमें सब केहू मिल के उनका से लड़े,
ने गांव खातिर संवेदना हो जाला। एगो छोट विराम लिया था, ये प्रसंग आगे सुनावल जाई। श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम कथा सुन, राम कथा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। चर्चा होत रहल है कि वेदना संभाव से रहो तभी संत होला। तो संवेदना गांव तक पहुंचल, वह संवेदना राज्य तक पहुंच जाला। जब तो आदमी मरे खातिर, मिटे खातिर, जीवन लगावे खातिर तैयार हो जालन कि हम बिहारी हई, हम बंगाली हई, हम मराठी हई, हम गुजराती हई, हम पंजाबी हई, हम उड़िया हई। बंगाली के खिलाफ केहू मत बोलो भाई, ना तो हम मर मिटे। बिहारी के खिलाफ कहूँ मत बोलो, हम बिहारी हैं तो मर मिटे। क्यों मराठी के खिलाफ मत बोलो, ना तो मराठी हैं हम मुआ देव तरह के। गुजराती के खिलाफ कहूँ मत बोलो, ना तो सब गुजरात साथ में लग जाए। क्यों यूपी के खिलाफ मत बोलो, यूपी हमार हो। ऐसे संवेदना बढ़ेला राज्य स्तर पर, और यह संवेदना जब बढ़ेला तो देश स्तर पर जाला। तो उहे आदमी जब देश खातिर मरे मिटे खातिर तैयार होला तो ओकरे के शहीद कहल जाला, ओकरे के देशभक्त राष्ट्रभक्त कहल जाला। उहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, बिस्मिल्ला, अस्फाकुल्ला, ऐसन देशभक्त हो जाला लोग। खुदीराम बोस हो जाले, सुभाष चंद्र बोस हो जाले, वो देश खातिर अपन प्राण लगा देवेला लोग। और यह संवेदना के तनी दूसरा तरफ से देखल जाओ तो जाति में भी संवेदना होला कि यहाँ का बाबू साहब हई तो कोनो छत्री के खिलाफ मत बोली, ना तो एकदम मारा मारी हो जाए। यहाँ का पंडित जी हई ब्राह्मण के खिलाफ मत बोली, ना तो एकदम काट दिया ही। हैं यहाँ का वैस हई कोनो व्यापारी के खिलाफ कोनो आवाज नहीं के उठ सकत। हमनी के सब व्यापारी समाज, अग्रवाल जी, गुप्ता जी, जितना लोग बा एकदम लड़ ले आके। और शूद्र के खिलाफ केहू मत बोलो, हमनी के अभियान चल रहा बा। तो यहू स्तर पर संवेदना होला। ओकरा बाद संवेदना बढ़ेला तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, एहू सब पर संवेदना। जब हिंदुत्व के खिलाफ केहू बोली तो एकदम काट दिया ही। मुस्लिम के खिलाफ बोली केहू तो मार दिया ही। मुस्लिम धर्म फैला देवे के चाहिए, क्रिश्चियन धर्म सब जगह दुनिया में फैल जाए के चाहिए। सब अपना अपना धर्म खातिर लोग संवेदना उनका मन में रहेला। जे अपना धर्म खातिर कोनो काम कर ला उकरा बुझाला भगवान हमरा से खुश होके, हम अपना धर्म के विस्तार खातिर कर रहल बनी। यही कारण ये कट्टरता धर्म के रक्षा करे के चाहिए, अपना नीति मर्यादा के पालन करे के चाहिए, अच्छा विचार समाज में फैलावे के चाहिए। लेकिन जब यही कट्टरता हो जाला तो कई संप्रदाय, कई धर्म जबरदस्ती यही अभियान में लागे रहले कि लोग के अपना धर्म में जोड़ा, उनको के यही में बनाओ। यह एगो संवेदने है, लेकिन बड़ा संकीर्ण संवेदना। संवेदना के स्तर तक जब पहुंचेला विश्व स्तर पर, जोना के हमनी के शास्त्र उपनिषद में कहल गइल बा, एको देवा सर्वभूतस्य गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सब केहू के भीतर बैठल बाड़े, और जोन हेमे बाड़े उहे ओहू में बाड़े। तो जीव मात्र सब परिजन सका हमारे, श्रद्धा अपरंपार की पत्थर में भी प्रीत जगाई। हमनी के संस्कृति ऐसन बा कि वो लिखलक संस्कृति के बारे में कि हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी, हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। ऐसा हमने के संस्कृति बा कि कण कण में जीव मात्र में एक ही आत्मा देखे के जो संवेदना बा, और वो स्तर पर जे पहुंचेला वह संत होला। ओकरे हृदय संवेदना से भरल होला, हम दर्द से भरल होला, और ओकरे चित्त कोमल होला। हमें फिर से धरा पर ज्ञान की गंगा बहानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। विवेकानंद से जगत ने नवल आध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन का राम तीर्थ ने जगाया था। जला शक्ति न जिसे आग, बुझा सकता न पानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह ही न जा। ठाकुर राम के शुभ्रमन से केहू पूछलक कि बाबा संत के परिभाषा बताई ना।
तो वहां का कहनी कि तू ही बता दो। तू कहले कि हमारा हिसाब से तो मिल जाए तो खा ले और ना मिले तो कोई बात ना। तो ठाकुर राम कृष्ण परमहंस कहनी तो कुत्ता के परिभाषा बता दे कि मिले तो खा ली ना मिली तो केकरा से शिकायत कर जाई वो कि दरखास्त दे जाई एप्लीकेशन दे जाई कि हमरा के ना दे लख लोग तो आज हम रूस गई बनी। मिल गई तो ठीक बा ना मिलल तो कोनो बात ना। तो ठाकुर राम कृष्ण परमहंस बतनी कि संत के परिभाषा का होला। अरे ना मिलल तो भगवान के धन्यवाद देलक कि प्रभु आज उपवास करे के अवसर देले बनी केहू से ना किसी आई आज ना देख लोग आज कमे लिया लोग आज हमारा मिलल है ना ठीक से स्वाद ठीक ना रहा मुड़ी पटक तनी आज हम बड़ा दुखी बनी। संत ऐसे ना करिए। ना मिलल तो भगवान के धन्यवाद दी और मिल गई तो बांट के खाई दूसरा के पहले खियाई वो संत। आज के कथा यही जा विराम ली एकरा आगे कल सुनावल जाई। कोनो मन में जिज्ञासा प्रश्न हो तो जरूर पूछी बार बार ही रोलोक से आग्रह कर जाता। आई भगवान नाम के कीर्तन के साथ आज के समापन कर जाओ। भजल राम के नाम प्यारे राम के गुण गाए जा। भजल राम के नाम प्यारे राम के गुण गाए जा। भजल राम के नाम प्यारे राम के गुण गाए जा। भजल राम के नाम प्यारे राम के गुण गाए जा। राम के गुण गाए जा रघुबर के गुण गाए जा। राम के गुण गाए रघुबर के गुण गाए जा। राम के गुण गाए जा रघुबर के गुण गाए जा। भजल राम के नाम प्यारे राम के गुण गाए जा। भजल राम के नाम प्यारे राम के गुण गाए जा। भजल राम के नाम प्यारे राम के गुण गाए जा। भजल राम के नाम प्यारे रघुवर के गुण गाए जा। राम के गुण गाए जा राम के गुण गाए जा। राम के गुण गाए जा राम के गुण गाए जा।